वैशाली पुलिस ने हत्याकांड का सफल खुलासा किया है। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र मुकेश साह के हत्या मामले में वैशाली पुलिस ने किया खुलासा। तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि वैशाली के एसपी हरकिशोर राय ने किया है। सर क्या करना, पिछले 27 जनवरी को एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी लालगंज थाना क्षेत्र, जिसमें मुकेश शाह की हत्या हुई थी। उसको लेकर के एसआईटी की टीम बनाई गई थी कि कांड का उद्भेदन हो सके और जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। इसी क्रम में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा था। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पे एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल कुछ अपराधकर्मी लालगंज थाना क्षेत्र में पुनः एकत्रित हुए हैं, किसी घटना को कायित करने वाले हैं। तो इस सूचना की प्राप्ति पर लालगंज थाना की टीम और डीआईयू की टीम को संयुक्त रूप से छापामारी के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें कि छापामारी के क्रम में तीन अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिसमें कि दो अपराधकर्मी के पास से एक एक देसी कट्टा बरामद किया गया और चार गोली बरामद किया गया और एक अपराधकर्मी के पास से गोली बरामद किया गया। और जो अपराधकर्मी को असद में लेकर के पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उसमें से एक अपराधकर्मी, दो अपराधकर्मियों ने अपनी मुकेश शाह हत्याकांड में संलिप्तता को स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज जो उस समय उपलब्ध, मुकेश शाह हत्याकांड के समय सीसीटीवी फुटेज लिया गया था काफी बृहद पैमाने पर, उससे मिलान करने पर उसमें से एक फुटेज जो था उसमें से एक की पहचान हुई, जो कि अपराधकर्मी जो पकड़ा गया है गोलू कुमार उसके रूप में पहचान हुई। तो इस प्रकार से मामले का उद्भेदन हुआ है। मुकेश शाह हत्याकांड का एक शूटर जो है पकड़ा गया है और एक जो उस षड्यंत्र करने वाला था उसे गिरफ्तार किया गया है। ललन सहनी जो है उसके उससे पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि जो मामले का षड्यंत्र रचा गया था उसमें जेल में बंद एक अपराधकर्मी रोशन उर्फ तात्या करके है, जो कि बेऊर जेल में अभी बंद है, उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें कि ललन सहनी भी षड्यंत्र में शामिल था और उनके द्वारा जो शूटर है उसको हायर किया गया था, जिसमें से कि एक शूटर को पकड़ा गया है और अन्य जो है दो शूटर और हम लोग उनके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो भी मामले में खुलासा हुआ उससे यह पता चला है कि मुकेश शाह और जो जेल में बंद अपराधी है तात्या, उसका आपस में कुछ पैसा का लेन देन को लेकर विवाद था, जिसमें कि तात्या द्वारा इन लोग को पैसे दे करके हत्या करने की बात इन लोग को बताई गई थी। जो शूटर थे उनसे यह तय हुआ था कि 2 लाख रुपया हत्या करने पर उन्हें दिया जाएगा फाइनली, लेकिन उसके द्वारा 20,000 रुपया ही दिया गया। तो मुख्य रूप से पैसे दे करके हत्या करने का मामला सामने आया है।